नमस्कार, मैं रवीना MNS न्यूज लैब से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। दो साल की बच्ची को कुएं में फेंका, इश्क में डूबे प्रेमी से प्रेमिका वसूलती थी कीमत, लव मैरिज से नाराज पिता ने बेटी का करवाया अपहरण। अब खबरें विस्तार से। यह वारदात लखीसराय पिपरिया गांव की बताई जा रही है। पति से हुई थी लड़ाई, इस बीच दो साल की बच्ची को भुगतना पड़ा। गुस्से में आकर अंधी एक माँ ने अपने ही बच्ची को पानी से भरे गहरे कुएं में फेंक दिया गया। इश्क में डूबे प्रेमी से प्रेमिका वसूलती थी संबंध की कीमत। यह वारदात दिल्ली की गाजियाबाद की दर्शाई जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 19 तारीख को ही एक शादीशुदा महिला संदिग्ध हालत के रूप से पाई गई। इस बीच पुलिस वाले ने छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान जांच के बाद लोनी इलाके वाले दीपक शख्स पर जाकर खत्म हो गया। इस दौरान CO धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक हत्या का कारण ब्लैकमेलिंग का था। क्या था मामला? महिला ने दीपक को बताया कि उसके पास उसके कुछ वीडियो भी है, इस डर के कारण उसने हत्या कर दी। यह घटना फतेहाबाद की है। पिता द्वारा बेटी का करवाया अपहरण। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की ने लव मैरिज करने हेतु, इस बीच परिजन का फूट पड़ा गुस्सा और इस बीच लड़की ससुराल पहुंचते ही उसका कराया गया अपहरण। कहा जा रहा है कि लड़की के पिता समेत ताऊ और भाई समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।